अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिलीशियस पोस्ट। फ्रेंड, डिलीशियस पोस्ट के तीन ही ऑब्जेक्टिव हैं, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन। फ्रेंड, आपके साथ एक बात मैंने शेयर करनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जो है तकरीबन 100+ वीडियोस बनाई है आपको इंफॉर्मेशन के हवाले से, आपको एजुकेट करने के लिए और आपको जो है एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। तो मैंने कम से कम 100+ वीडियोस बना रही हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि कैसे जो है आप एक हफ्ते में तकरीबन 700 से लेकर 800 हज़ार तक जो है सब्सक्राइबर हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये भी एक पार्ट है कि मतलब अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल के बना सकते हैं कि, तो वो उसके हवाले से तो काफ़ी वीडियोस मौजूद है कि आप यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। मेरा जो यहाँ पर मकसद है वो ये है कि आप एक हफ्ते में तकरीबन 700 से लेकर 1000 तक सब्सक्राइबर कैसे हासिल कर सकते हैं, ये आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे, मैंने तकरीबन 100+ वीडियोज़ बनाए हैं और तकरीबन 270, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्लो प्रोसेस होता है, इसमें कभी सब्सक्राइबर्स आते हैं, कभी चले जाते हैं। लेकिन आपके चैनल में जो है वो थोड़ा सा दम होना चाहिए, आपका कंटेंट जो होता है, आपका थंबनेल जो होता है वो बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए। आप कोई फेक इन्फॉर्मेशन ना दें, जो थंबनेल में लिखा है, जो आपके टाइटल्स में है, जो आपके डिस्क्रिप्शन में है, वो आपकी वीडियो में होना चाहिए। तो ये आपके लिए भी पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद अगर लेट सपोज आपका जो चैनल है वो बिल्कुल नया है, तो बहुत स्ट्रगलिंग होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिसका जो चैनल होता है वो रातों रात एक वीडियो उसकी वायरल हो गई तो वो चली जाती है। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको जब आप अपने चैनल को इस लेवल तक लेके आते हैं, जिसकी जो आजकल जो शर्त है YouTube की, वो है 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 आवर्स वॉच टाइम। 4000 आवर वॉच टाइम का मतलब होता है 240,000 मिनट्स। जब आप ये पूरी कर लेते हैं तो फिर आप एक प्रोसेस होता है जिससे आप जो है YouTube के लिए मतलब मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो वो फिर आपके चैनल को चेक करते हैं कि उस पर कोई कॉपीराइट वगैरह या स्ट्राइक, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम वगैरह तो कोई नहीं है। अगर नहीं होती तो फिर उसके बाद वो आपका चैनल को मोनेटाइज कर देते हैं। तो आपकी जो पैसे बनाने का जो एक ज़रिया होता है, एक सिस्टम होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। मैंने सोचा कि आज आपको मैं एक सही तरीका बताऊँ जो मैंने भी अप्लाई किया और आप भी, आपके साथ भी मैं शेयर करता हूँ। अगर आपके पास जो है लेट सपोज कुछ पैसे हैं, 500 से लेकर तकरीबन कुछ 2-3 हज़ार या 4 हज़ार रुपये तक, तो आप क्या करें कि आप अपने एक वीडियो बनाएं अपने चैनल के बारे में, लोगों को अपना पैगाम पहुंचाएं। एक्चुअल इसमें ये होता है कि आप अपने अपना जो पैगाम होता है वो लोगों तक पहुंचाएं कि आपके चैनल पे क्या होगा, आप क्या बनाना चाहते हैं, और अगर वो इम्प्रेसिव हुआ, उसका थंबनेल अट्रैक्टिव हुआ और लोगों ने उसको पसंद करना शुरू किया, तो उसका ये होगा कि वो वीडियो तो आपकी मोनेटाइज नहीं होगी। मतलब अगर हो भी जाए तो उस पर आपकी कोई पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि उस पर पेड एड, जब जिस वीडियो पर पेड एड चलता है तो वो उसकी जो है वो मोनेटाइजेशन नहीं होती, या उस पर इन अदर केस उस पर कोई पैसे नहीं आते। दूसरी बात यह है, लेकिन उससे इम्पैक्ट क्या होता है, उससे इम्पैक्ट ये होता है कि जब कोई आपके चैनल पे आता है, जो बाकी वीडियोस होती है जो कि ऑर्गेनिक होती है, जिस पे आपने कोई एड वेड नहीं चलाया होता, तो उस पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। और उसके बाद अगर लोगों को वो जो है पसंद आए तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, और जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो आपके सबसे अच्छी व्यूवर्स होते हैं। जो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं होते तो वो उनका ये होता है कि वो अगर उनको आपका चैनल पसंद नहीं आया तो फिर क्या होता है कि वो मतलब एक दो वीडियो आपके देख लेते हैं, उसके बाद वो बोर होके चले जाते हैं। जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो आपके परमानेंट व्यूवर्स होते हैं, और आपने कोशिश यही रखना है कि आप अपने सब्सक्राइबर को खुश रखें, मतलब उसको उनके मुताबिक कंटेंट बनाएं, जो वो आपसे जो है इंटरेक्ट करें उनके साथ, ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि कैसे जो है एक कंपेन, जो पेड कंपेन है, वो कैसे चलाते हैं एक वीडियो पे जो गूगल का है, जो कि मिनिमम आपको जो है 500 में कम से कम जो है 500 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इससे आपकी वीडियो जो है वो बूस्ट हो जाएगी और लोग आना शुरू हो जाएंगे। मैंने भी किया था, तकरीबन मुझे एक हफ्ते में कुछ 700-800 सब्सक्राइबर्स मिले थे, तो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं।
इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पेड कैंपेन चलाए जाते हैं गूगल एड्स पे, एडसेंस पे। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ads.google.com, ठीक है। जब हम ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपने साइन इन होना है अपने अकाउंट से, गूगल अकाउंट से आपने साइन इन होना है। तो मैं यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ। मैंने ये याद रखें कि ये मैंने ये जो कैंपेन चलानी है ये वीडियो के लिए चलानी है। तो ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम कैंपेन्स में क्लिक करते हैं, ठीक है। कीवर्ड प्लानर्स के बारे में एक वीडियो हम अपलोड करेंगे आगे कि कीवर्ड प्लानिंग कैसे करते हैं। यहाँ से कीवर्ड प्लानिंग करते हैं, देखिए मेरे कुछ कैंपेन हैं जो चल चुके हैं, ठीक है। तो मैंने दोबारा एक और कैंपेन ऐड करनी है अपने चैनल के लिए। मैं कहता हूँ कि न्यू कैंपेन मैंने करना है, ठीक है। मैंने कैंपेन किस लिए ऐड करनी है, मैंने कैंपेन करनी है अपने वीडियो के लिए, ठीक है जी। तो मैंने वीडियो के लिए कैंपेन करनी है, ये वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, ये लीड्स है, ठीक है, कन्वर्जन, ठीक है, इसके लिए, ये सेल्स के लिए, और ये जो है ब्रांड के लिए, ठीक है, और ये जो है प्रमोशंस है, और ये जो है लोकल लोकल स्टोर जो विजिट प्रमोशन है, ठीक है। विदाउट गोल्स ऑडियंस, ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ जाएगी कि आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है या वीडियो चलानी है। तो मैंने वीडियो पे क्लिक करना है। ये कि स्केपेबल स्ट्रीम आपको चाहिए, नॉन स्केपेबल स्ट्रीम है, बम्पर है, ये कंप्लीट डिटेल है, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि बेशक स्केपेबल स्ट्रीम हो। तो मैंने कंटिन्यू करना है। मैंने कौन सी वीडियो के लिए कंपेन चलानी है, यहाँ पे फिलहाल मैं यूट्यूब में ये जल्दी से ये भी खोल देता हूँ। मुझे अपने यूट्यूब में जो जिस वीडियो के लिए कंपेन चलानी है वो ये है। मैं वीडियोज़ में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से अपनी योर चैनल, ठीक है। यहाँ से मैंने वीडियो उठाना है, ये वाली जो वीडियो है इस पे मैंने कंपेन चलानी है। अल्लाह आपकी भला करे, ये वाली वीडियो इस पे मैंने कंपेन चलानी है। तो मैंने क्या करना है, इसका जो लिंक है वो कॉपी कर देना है, इसको मैंने उठा देना है, ये मैंने इसको लिंक जो है वो कॉपी कर देना है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसकी मैंने कंपेन चलानी, इस एड को मैं क्या नाम दूँ, ठीक है। इसकी गोल जो है रीचेज जो है वो है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, वीडियो मैंने चलानी है। यहाँ पे आप डिस्प्ले पे भी कर सकते हो लेकिन मुझे वीडियो चलानी है, ठीक है। अब स्केपेबल हो गया, कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं इस कंपेन का नाम देता हूँ प्रमोट माई चैनल, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे ये बता रहा है कि आपको कितने टोटल, आपके पास टोटल पैसे कितने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने टोटल जो प्राइस रखनी है वो मैंने रखनी है, लेट सपोज मेरे पास 2000 रुपये, सही है। अब आपने इसको स्टार्ट करना है, कब करना है, ठीक है। मैंने स्टार्ट तो आज अभी से करना है, 5 दिसंबर से ही स्टार्ट करना है, और मैंने इसको चलाना है 31 दिसंबर तक, ठीक है जी। अच्छा, ये कह रहा है कि 2000 रुपये आपकी टोटल है, 27 दिन आपकी कंपेन चलनी है, और 74 रुपये पर डे के हिसाब से आपका वो करना है। ये मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पे मैंने इस कंपेन को चलाना है, ठीक है। और जो लैंग्वेजेस हैं, मुझे बंगाली नहीं चाहिए, अरेबिक भी नहीं चाहिए, उर्दू चाहिए और पश्तो चाहिए। मैं अगर पश्तो ऐड कर दूँ तो, अगर है तो ये आ जाएगी, मुझे पश्तो भी चाहिए, ये मैं इसमें देख लूँ, अगर पश्तो है तो मैं पश्तो भी ऐड कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें पश्तो अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं पश्तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं है, तो मैंने इसको उर्दू और हिंदी ही रखना है, सही है। ये कंप्लीट एरिया है जहाँ जहाँ पे मुझे कंपेन चलानी है, सही है। इसमें मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, सही है। और जो मेरा कीवर्ड है, अगर मैं कीवर्ड की बात कर लूँ तो कीवर्ड्स जो है वो यहाँ से ख़ुद उठा लेगा। ये मैं इसकी लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। एनी टॉपिक जो है वो मैं इसको कर देता हूँ एजुकेशन, मेरे ज़्यादा जो फोकस है वो एजुकेशन पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे।
ठीक है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दी, कॉमर्स पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये सारी एरिया हैं जहाँ पे मैंने एफिलिएट प्रोग्राम पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और ठीक है, बस यही चीज़ है जो कि मैंने इसको ऐड करना है। ठीक है, अब मुझे ये कह रहा है कि सी पी एम बेड आपने क्या करना है। यहाँ पे आप अगर इस साइड पे देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर टारगेट सी पी एम कॉस्ट पर 1000 टेम्परेशन आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, वो लिंक डाल देनी है। मैं इसको वो लिंक जो मैंने हमने कॉपी की थी, ये देखिए ये लिंक एज इट इज़ आई गई ऐसे। ठीक है, आपने क्या करना है कि मोबाइल पे मैंने शो करना है डिस्ट। मोबाइल पे चांसेस ये होते हैं कि जो आपका मोबाइल होता है वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मेरी जो फाइनल वो है वो यहाँ पर आ जाएगी। कॉल टू एक्शन को छोड़ दें। ठीक है, एड नेम का मैं दे देता हूँ चैनल प्रमोशन। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे मैंने चलाना है, बस ये देखिए प्लेसमेंट यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया। और कॉस्ट पर व्यू पर 1000 अगर मैं कर दूँ तो मैंने इसके लिए सिर्फ रखना है 50 कर देता हूँ। ठीक है, कीवर्ड भी देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने थोड़े से उसमें चेंज करना है। ये कंफर्मेशन आ गई है। ठीक है, मेरा कैंपेन ये उर्दू हिंदी है कि कंग्रेचुलेशन योर कैंपेन इज़ रेडी। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, कंटिन्यू टू कैंपेन एलिजिबल है 50 पर टारगेट। मैं राइट क्लिक पे राइट पे लेफ्ट साइड पे चेक कर लूँ तो ये वीडियो एनालिटिक्स है, लैंडिंग पेज है। ठीक है, कीवर्ड्स हैं, ऑडियंस वगैरह, डेमोग्राफिक्स हैं, कहाँ कहाँ पर आपने इसकी सेटिंग चलानी है। ठीक है, और डेमोग्राफिक्स का मतलब एज, जेंडर, पेरेंटल कंट्रीब्यूशन, एक्सक्लूजन, सब कुछ है इसमें कंप्लीट। ऑडियंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सक्लूजन मैंने क्या करना है, कौन सी ऑडियंस को मैंने इसको निकाल देना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।